बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ख्वाब में गधा देखना, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। जैसा कि ख्वाब में गधा देखना, गधे पर बैठना, गधा खरीदना, गधे पर सवारी करना, गधे से उतरना, गधे से गिरना, गधे का गोश्त खाना, गधे को ज़बह करना, सब्ज सुर्ख या काले रंग का गधा देखना, गधे का मरना, गधी से हमबिस्तरी करना और गधे का खच्चर घोड़े या दुम्बे में तब्दील होना वगैरह। इसके अलावा इससे मुतल्लिक और भी कई सूरतें हैं जिनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ख्वाब के अंदर गधा देखना नसीब अच्छा होना और बुजुर्गी की अलामत है। अगर ख्वाब के अंदर बहुत सारे गधे देखे तो दलील है कि नेमत और माल में इजाफा होगा। ख्वाब के अंदर गधा पकड़ना खैर का दरवाजा खुलने और गम से निजात पाने की अलामत है। अगर कोई देखे कि इसने गधी को उठाया है या गधी से हमबिस्तरी की है तो दलील है कि वो दरपेश मुश्किलात पर काबू पा लेगा। और अगर कोई देखे कि इसका गधा खच्चर में तब्दील हो गया है तो इसे सफर करके रोजगार मिलेगा। और अगर घोड़े में तब्दील हुआ है तो दलील है कि बादशाह की तरफ से रोजगार मिलेगा। और अगर दुम्बे में तब्दील हुआ है तो किसी मुअज्जज आदमी के यहाँ रोजगार का जरिया पैदा होगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि इसे विरासत में गधा मिला है तो दलील है कि उसे ऐसी जगह से माल मिलेगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। अगर कोई देखे कि नामालूम शख्स का गधा मर गया है तो इसकी तबाही और बदनामी पर दलालत करता है। गधे से उतरना भी तबाही और बदनामी की दलील है। ख्वाब में अगर कोई देखे कि वो गधे पर सवार नहीं हो पाता या वो गधे से खौफजदा है तो दलील है कि उसे हर शय के हजूर में मुश्किल पेश आएगी। ख्वाब के अंदर गधे के बच्चे पर सवार होना बीवी या बेटे की तरफ से परेशानी उठाने की अलामत है। ख्वाब में खूबसूरत गधा देखना हसीनो जमील हो जाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर कमजोर या बीमार गधा देखना तंगदस्त होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर गधे की लंबी दुम देखना इसके खानदान के तवील अरसे तक बाकी रहने की अलामत है। अगर कोई देखे कि गधे के सरकश बच्चे को हाथ से पकड़ लिया है तो उसे अपने बेटे की तरफ से कोई परेशानी लाहक होगी। और अगर गधे का बच्चा सरकश नहीं है तो दलील है कि उसे कदरे देर से कोई दुनियावी फायदा हासिल होगा। ख्वाब के अंदर गधा चोरी होना उसकी औरत फसाद की शोहरत पाएगी, फसाद करेगी, बदनाम होगी और जुदाई का बायस बनेगी। ख्वाब के अंदर गधा खरीदना राहत की अलामत है। ख्वाब के अंदर सब्ज रंग का गधा देखना या इसके ऊपर बैठना इबादत गुजार होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर सुर्ख रंग का गधा देखना या इसके ऊपर बैठना ऐश-इशरत की अलामत है। और ख्वाब के अंदर स्याह यानी काले रंग का गधा देखना या इसके ऊपर बैठना बुजुर्गी, सरदारी पाने, इज्जत और मर्तबा बुलंद होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर गधे का मर जाना साहिब ख्वाब के जल्दी मर जाने की अलामत है। कोई भी बुरा ख्वाब देखने की सूरत में सदका करें क्योंकि सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है। ख्वाब के अंदर गधे के ऊपर बैठना बख्त, दौलत, मर्तबा और हुकूमत मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर गधे पर सवारी करना खैर और बरकत की अलामत है। ख्वाब के अंदर गधे से नीचे उतरना जिस काम और हाजत की तमन्ना रखता है वो जल्दी पूरी होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर गधे से गिरना तकलीफ और नुकसान उठाने की अलामत है। गधे का पेशाब देखना बीमारी से सेहतयाब होगा मगर किसी काम के अंदर बदनामी होने का अंदेशा है। ख्वाब के अंदर गधे का गोश्त खाना माले हराम खाने की अलामत है। और गधे को ज़बह करना इज्जत मर्तबा में कमी होने और ओहदा से हटा दिए जाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर गधे के सर जैसा अपना सर देखना बख्त बुलंद होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर गधे की आवाज़ सुनना बुरे कामों में मुबतला होने, शदीद आफत और मुसीबत में गिरफ्तार होने और दोस्त नाराज होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर गधे की दुम देखना सख्त मुशक्कत के बाद मालो दौलत हासिल होने की दलील है। ख्वाब के अंदर गधी का दूध पीना चोरी और डकैती करने की अलामत है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।